आई एम रिचा मेहरोत्रा एंड वेलकम टू माय डिजिटल किचन। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी डिश लेकर आई हूँ जिसे हम फ्रूट क्रीम कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, एक टेट्रा पैक जो 250 ml था उसको मैं इसमें निकाल लूंगी। ये देखिए कितनी थिक है। मैंने इसमें जो वाटरी होता है वो इसमें से मैंने अलग छान दिया था इसको, जिससे बिल्कुल भी ये गीला इसमें एकदम बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है, ये एक छोटी बाउल मैंने यहाँ पे निकाला है, इसको डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा मैंने रोक लिया है इसमें क्योंकि अभी मैं इसमें फ्रूट्स डालूंगी तो ये अपने आप फ्रूट्स की भी मिठास हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्रीम को और कंडेंस मिल्क को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े से करके फ्रूट्स डालूंगी। फ्रूट्स आप लोग इसमें अपनी पसंद के कोई से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बनाना, एप्पल और अनार लेके रखा हुआ है। यहाँ मैंने दो बनाना लिए हैं, एक एप्पल और एक पोमेग्रेनेट, जो मैं थोड़ा सा अभी रोक लूंगी ऊपर से गार्निश करने में। ये बहुत सुंदर लगता है। आप लोग इसमें अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया हुआ है, ये मैं थोड़े काजू डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम, मैं इन ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोक ले रही हूँ जिससे कि गार्निशिंग में मैं ये यूज होंगे। इलायची मैंने यहाँ पे 7-8 ले ली है जिसको मैंने कूट लिया था। थोड़े से टूटी फ्रूटी मैंने ये ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। और इसमें आप इसकी जगह चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, बच्चों की पसंद पे है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप याद रखें जब आप कंडेंस मिल्क लें तो शुगर की कोई नीड नहीं है इसमें। और एक बार इसको मिक्स करके टेस्ट जरूर कर लें, मैंने भी यहाँ टेस्ट कर लिया था, ये बिल्कुल इसमें मिठास एकदम ठीक है। थोड़ी सी कंडेंस मिल्क और क्रीम की मिठास कम ही होनी चाहिए क्योंकि फ्रूट्स डालने के बाद अपने आप ही ये और ज्यादा ये मीठा हो जाता है, फ्रूट्स की भी मिठास इसमें आती है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है और अब इसे हम गार्निश करेंगे। जो यहाँ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स रोक के रखे थे, ये थोड़े से काजू, बादाम, इलायची पाउडर, इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आती है, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, कलरफुल इससे हो जाएगा तो और सुंदर भी लगेगा, और थोड़े से इसमें जो मैंने यहाँ अनार रोक के रखे थे, अनार आप इसमें सीजन के हिसाब से मैंगो भी डाल सकते हैं, ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन फल वो सारे वही होने चाहिए जो मीठे हों। खट्टे फलों से स्वाद बिल्कुल ही फ्रूट क्रीम का एकदम खराब हो जाएगा। फ्रूट क्रीम बिल्कुल रेडी है और इसे फ्रिज में एकदम चिल्ड करके और इसको थिक सर्व करके खाएं। और आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और विदाउट शुगर बनाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसमें अगर केवड़ा डाल लेंगे या केसर डाल लेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। केसर को आप थोड़े से पानी में 2-3 उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको घोल के आप इसमें डाल सकते हैं, और अच्छी लगेगी ये। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।